बाजार में कच्चे तेल की कीमतें 10% से भी ज्यादा बढ़ गई हैं, जिससे हड़कंप मचा हुआ है और चौतरफा मार सरकार को भी झेलनी पड़ रही है। बहुत ही ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल सऊदी अरब और अमेरिका ने अरामको रिफाइनरी पर हमले के लिए तेहरान समर्थित हाउती विद्रोहियों को जिम्मेदार ठहराया और ईरान को अंजाम भुगतने की चेतावनी दी है। दुनिया की सबसे बड़ी तेल कंपनी अरामको पर हाउती विद्रोहियों के हमले के बाद दुनिया भर में तेल की कीमतों पर असर देखने को मिल रहा है। तेल बाजार में कच्चे तेल की कीमतें 10% से ज्यादा बढ़ गई हैं। सऊदी अरब और अमेरिका ने इस हमले के लिए तेहरान समर्थित हाउती विद्रोहियों को जिम्मेदार ठहराया और ईरान को अंजाम भुगतने की चेतावनी दी है। हालांकि ईरान ने ऐसे किसी भी आरोप से हांगकांग के तेल बाजार से मिली जानकारी के मुताबिक ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमतें 11.77% बढ़ाकर 67.31 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल होने की बात कही जा रही है। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने सऊदी अरब के तेल क्षेत्र में ड्रोन हमले के लिए ईरान को जिम्मेदार ठहराया है, जिससे देश की तेल क्षमता का लगभग आधा हिस्सा या दैनिक वैश्विक तेल आपूर्ति का 5% बाधित हुआ है। 10 ड्रोन से किए गए हमलों से सऊदी अरब के सबसे बड़े तेल क्षेत्रों में से एक हिजरा हुरैस, जो प्रतिदिन लगभग 15 लाख बैरल का उत्पादन करता है और दुनिया के सबसे बड़े कच्चे तेल के भंडार वाले अबकैक को 70 लाख बैरल तेल प्रोसेस करता है, को निशाना बनाया है। हमले के बाद पोम्पियो ने ट्वीट कर कहा, सऊदी अरब पर करीब 100 हमलों के पीछे तेहरान का हाथ, जबकि रूहानी और जरीफ कूटनीति में शामिल होने का दिखावा करते हैं। तनाव कम करने के आह्वान के बीच ईरान ने अब दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति पर जबरदस्त हमला कर दिया है, तो अब तमाम लोगों को ये मार झेलनी पड़ रही है। महंगाई की कच्चे तेल की कीमतों में 10% तक उछाल हो गया है। नेक्स्ट 9 भोजपुरिया के लिए शशि प्रिया सिंह की रिपोर्ट।